की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैसे पूछा जा सकता है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगर दे रखा हो, एक फिगर दे रखा है आपको और उसमें आपसे पूछा है इन द डायग्राम द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स मेल्स। ठीक है, ये आपका वो है डायग्राम दे रखा है आपको ये। ठीक, ये आपका डायग्राम है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, तो इसमें क्या पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर, कि दिए हुए फिगर में आपको क्या बताना है, द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट मेल्स। तो ये आपके क्या हो गए, मेल्स। ठीक है, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट मेल्स, सर्कल रिप्रेजेंट्स एक्टर। सर्कल क्या है, एक्टर है आपके, सर्कल में जितना भी रिप्रेजेंट है वो आपका क्या है, एक्टर है। एंड ट्राइंगल रिप्रेजेंट सर्कल, ट्राइंगल है वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंगर, सिंगर। ठीक है, अब बचा क्या आपका, तीन ही है, 1 2 3। बेच नंबर्ड एरिया रिप्रेजेंट्स मेल सिंगर। ठीक है, अब आपको बताना है कि मेल सिंगर कितने हैं, मेल और सिंगर, आपका आदमी भी होना चाहिए और साथ ही साथ वो क्या होना चाहिए, सिंगर। तो मैंने आपको अभी बताया था सिंपली कि इसे कैसे चेक करेंगे, मेल भी होना चाहिए सिंगर भी होना चाहिए, तो आपको कौन सा एरिया देखना है जिसमें आपका रेक्टेंगल हो और आपका ट्राइंगल हो, वही तो आपको देखना। ठीक है, जिसमें आपका ये दोनों चीज का जो इंटरसेक्टिंग पार्ट होगा वही तो आपका मेल सिंगर होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं मेल सिंगर क्या होगा। सिर्फ हमसे इसमें जिक्र किया गया मेल और सिंगर का। ठीक है, तो जो सर्कल आएगा, सर्कल वाला तो हो ही नहीं सकता, जो आपको सर्कल दिया होगा वो तो आपका हो ही नहीं सकता। सर्कल वाला पार्ट आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, साथ ही साथ एक्टर भी हो जाएगा, लेकिन हमसे क्या क्या कहा गया है, मेल सिंगर होना चाहिए। ठीक है, तो मेल तो आपके ये रहे और सिंगर आपका ट्रायंगल ये रहा। ठीक है, मेल सिंगर की बात करें अगर, तो मेल सिंगर अगर आपसे वो कहता एक्टर, एक्टर भी, तो आपका ये जितना दे रखा है ना वो आपका पूरा पार्ट आ जाता, क्यों तीनों चीजें हो जाती, लेकिन इसमें बात हुई है सिर्फ मेल सिंगर की। तो मेल सिंगर का जो पोर्शन आएगा, इतना पोर्शन तो आपका इसमें खत्म ही हो गया, क्योंकि ये आपका क्या है, साथ ही साथ एक्टर भी है, लेकिन जो ये पार्ट 3 वाला पार्ट है वो आपका क्या होगा, मेल सिंगर होगा। ठीक है, तो हमें सर्कल तो इसमें रिजेक्ट ही कर देना। मैंने क्या कहा था, जो दो आपके ये फिगर्स हैं इनके इंटरसेक्टिंग पार्ट में लाई करेगा वही आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा भाइयों, 3 आपका आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कैसे पूछा जा सकता है। एक ऐसा ही फिगर दे रखा होगा आपको और उसमें आपको और क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन वो पूछेगा, जैसे कि आपका एक और दे रखा है, आपका ये दे रखा है, आपका ये है रेक्टेंगल, ये आपका रेक्टेंगल हो गया। ठीक, रेक्टेंगल हो गया और ये ट्राइंगल इसे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक, ये ट्राइंगल इसे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक ये पोर्शन बना हुआ है सर्कल का। ठीक है, तो इसमें दे रखा है आपको 7 4 और 1। ठीक, इसमें दे रखा है आपको 6 8 2 3 और 5। अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कंसीडर द फिगर द नंबर ऑब्टेंड फ्रॉम सब्ट्रैक्टिंग द सम ऑफ नंबर्स इन द ट्राइंगल ओनली फ्रॉम द नंबर प्रेजेंट इन ऑल फिगर्स इज। एक ऐसा नंबर जो ऑल मतलब सारे फिगर्स में लाई करता हो, उसमें से हमें क्या घटाना है, हमें वो घटाना है जो सिर्फ और सिर्फ किस में लाई करता हो, नंबर इज लाई ओनली ट्राइंगल। ठीक है, नंबर इन द ट्राइंगल ओनली, जो सिर्फ
ट्राइंगल में हो, ठीक है, और हमसे कहा क्या गया है कि किसमें से घटाना है, जो चारों मतलब जो चारों तीनों में आता हो, तीनों में जो आता हो मतलब एक दो और तीन, इन तीनों के बीच में जो लाई करता होगा, ठीक है, तो वो नंबर पहले तो हमें फाइंड आउट करना है, वो नंबर क्या होगा, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है जो सिर्फ ट्राइंगल में लाई करता हो, ठीक है। तो देख लेते हैं तीनों में लाई क्या करता है, यहां ट्राइंगल भी है सर्कल भी है, ऊपर चले जाएंगे तो आपका रेक्टेंगल खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो आपका जो चार है वो क्या है, तीनों में लाई करता है, तो भाई वो इसके नीचे लिख देंगे चार। अब बात आती है सिर्फ ट्राइंगल की, ठीक है, सिर्फ ट्राइंगल की जब बात आती है तो नीचे वाला पोर्शन आपको ये थ्री दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन गौर से बहुत देखना है इसमें, गौर से क्या देखना है, कहीं और नंबर तो हमसे मिस नहीं हो रहा, ठीक है, तो देख लेते हैं। थ्री आपका सिंगल हो गया ट्राइंगल में, लेकिन ये ऊपर पांच भी तो आपको दिख रहा है, पांच भी तो है, तो ठीक है क्या करेंगे, थ्री इसका हो गया तो थ्री प्लस फाइव आपका कितना हो गया एट, ठीक है, तो फोर माइनस एट तो आपका आंसर कितना आ जाएगा माइनस फोर, ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है, उस क्वेश्चन को भी जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, ठीक है, ऐसा ही एक फिगर आपको दे रखा है जैसे आपको फिगर दे रखा है कि एक ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, ये आपका क्या है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को क्या कर रहा है, एक ट्राइंगल इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक, इंटरसेक्ट कर दिया, उसके बाद इसे भी एक सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो आपका ये हो गया टू फाइव सिक्स, ठीक, और ये हो गया आपका टू फाइव सिक्स, ये आपका हो गया फोर, ये आपका हो गया वन, और ये आपका हो गया सेवन, ठीक, ये आपको दे रखे हैं नंबर, और आपको थ्री भी दे रखा है, ये आपका दे रखा है थ्री वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, अच्छा यही आपको दे रखे हैं, उसमें डिनोट कर रखा है एम्प्लॉय, आपको दे रखा है एम्प्लॉयड, ठीक है, और आपको सर्कल दे रखा है वो क्या है डॉक्टर, और आपका जो ट्राइंगल है वो आपकी क्या है वूमेन। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इन द फॉलोइंग फिगर्स बेस नंबर रिप्रेजेंट द वूमेन डॉक्टर हु आर नॉट एम्प्लॉय, ठीक है, वूमेन डॉक्टर हु आर नॉट एम्प्लॉयड, ठीक है, ये आपसे पूछा है, एक ऐसी महिला जो डॉक्टर हो और एम्प्लॉयड नहीं हो, ठीक है, तो एम्प्लॉयड वाला पोर्शन तो ये आएगा, मतलब जो जो इसके बीच में आएगा वो तो आपका बिल्कुल ही नहीं हो सकता, ठीक है, जो इसके बीच में आएगा वो तो आपका हो नहीं सकता, तो अब लाइक इस किस में करना चाहिए, वूमेन और डॉक्टर मींस ट्राइंगल एंड सर्कल में जो चीज लाई करेगी इन दोनों के इंटरसेक्टिंग एरिया में वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ट्राइंगल और सर्कल, ट्राइंगल और सर्कल में जो चीज लाई करेगी वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि ट्राइंगल और सर्कल के बीच में हमें क्या दिख रहा है कि हमारा पांच लाई कर रहा है, किसी किसी के माइंड में एकदम माइंड क्लिक करता है कि उसका सिक्स भी सिक्स फाइव इलेवन आएगा आंसर, बट नहीं, इसे क्या ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर है मेल डॉक्टर, क्यों ये ट्राइंगल वूमेन को शो करता है, तो बचा कौन मेल डॉक्टर, ये तो आपका क्या हो गया मेल डॉक्टर, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है वूमेन डॉक्टर हु आर एम्प्लॉयड, ठीक है, हु आर नॉट एम्प्लॉयड, एक वूमेन डॉक्टर मतलब जो एम्प्लॉय नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा भाइयों फाइव, फाइव इज योर आंसर, ठीक है, फाइव इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि एक फिगर दे रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है इसमें, ठीक है, एक स्क्वायर दे रखा है और उसमें क्या है एक
यूं करके एक रेक्टेंगल जा रहा है और एक सर्कल यूं कोलैप्स कर रहा है, ठीक है, सर्कल ऐसे है। तो यहाँ है आपका 3879 और ये आपका हो गया 4 और इधर आपका 2 और ये 6 और 1, ठीक है। अब आपसे अगर पूछा जाए, इसमें कह रहा है विच आर द नंबर दैट मेक देयर विच आर द नंबर दैट मेक देयर प्रेजेंस दैट मेक देयर प्रेजेंस प्रेजेंस फेल्ट इन ओनली वन ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर felt only in one geometrical figure, ठीक है, आपको ये दे रखा है। क्या कह रहा है, which are the number that makes their presence felt only a one geometrical figure, मतलब ये तीन आकृतियां दे रखी हैं, वो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसे नंबर बताओ जो सिर्फ और सिर्फ एक ही एक ज्योमेट्रिकल फिगर में लाई करते हो, ठीक है। तो मतलब क्या होगा आपका, तीन आपको दे रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है और एक आपको रेक्टेंगल दे रखा है और एक आपको सर्कल दे रखा है। अब इसमें देखना क्या है कि जो इनका इंटरसेक्टिंग एरिया है आपस का, उसमें जो लाई न करता हो वही आपका सिंगल सिंगल में लाई करेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है यहां, अगर इसकी बात करें हम, तीन तीन हमें क्या दिख रहा है कि इसमें है अकेला, बट वो साथ साथ स्क्वायर में भी तो लाई कर रहा है, तो आपका थ्री नहीं हो सकता। बात करें फोर की, तो फोर सर्कल में तो लाई कर ही रहा है और साथ ही साथ किस में लाई कर रहा है आपका, स्क्वायर में। वन वन आपका किस में लाई कर रहा है, वन की बात करें, वन वन सिर्फ और सिर्फ आपका सर्कल में कर रहा है, तो आपका क्या आंसर हो गया, वन। अकेला वन आके ही नहीं छोड़ देना है हमें, आगे भी चेक करना, कोई और नंबर तो नहीं है। जैसे चेक कर लेते हैं आपका नाइन, नाइन है, नाइन हमें किस में दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल में, तो नाइन। फिर बात कर लेते हैं हम, जैसे मान लो सिक्स, तो सिक्स क्या है आपका, स्क्वायर और सर्कल दोनों पर लाई कर रहा है, ठीक है। एट की बात करें, एट तीनों में लाई कर रहा है। अब बात आती है टू की, तो टू हमारा किस में है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर में, तो आपका टू। तो आपका आंसर क्या हो गया, 1.9.2 इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे अगर पूछा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, ठीक है। और ये आपकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ आपका वेन डायग्राम फिनिश हो जाएगा। उसके बाद मिलेंगे भाइयों नेक्स्ट चैप्टर कैलेंडर के साथ, आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, ठीक है भाइयों। चलो तो इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपसे कैसा पूछा जाएगा। और भाइयों साथ ही साथ रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर रीजनिंग, ठीक है। देखते हैं कि नेक्स्ट आपका डायग्राम कैसा दे रखा है। नेक्स्ट आपका ये दे रखा है स्क्वायर, ठीक। स्क्वायर को क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ट्राइंगल ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक। यहाँ आपका ट्राइंगल इंटरसेक्ट कर रहा है और इसको भी एक ऐसा सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ आपका फोर दे रखा है, टू दे रखा है, वन दे रखा है और आपका सिक्स दे रखा है यहाँ, और ये थ्री और सेवन और ऊपर आपका दे रखा है टू, ऊपर नहीं, ऊपर आपका दे रखा है फाइव, ठीक है। ये आपका सर्कल है। अब वो ये कहता है कि सर्कल सर्कल रिप्रेजेंट्स हार्ड वर्किंग, सर्कल क्या है, हार्ड वर्किंग। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो आपका ट्रायंगल है वो क्या है, सिंसियर। ट्रायंगल सिंसियर को सिंसियर सिंसियर को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। और उसके बाद बचा आपका क्या, स्क्वायर। स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है इंटेलिजेंट को, ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटेलिजेंट को। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड आउट द हार्ड वर्किंग Who are intelligent but not sincere? मतलब हार्ड वर्किंग हु आर इंटेलिजेंट
बट नॉट सिंसियर। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं आपको बता चुका हूं हार्ड वर्किंग और हु आर इंटेलिजेंट, जो इन दोनों के बट नॉट सिंसियर, तो सिंसियर का तो केस ही खत्म हो गया। सिंसियर का क्या है आपका ट्राइंगल, तो भाई जो ट्राइंगल में लाई करेगा वो तो हो ही नहीं सकता ना। ठीक है, अब आपका इंटेलिजेंट की बात करें तो इसमें आना चाहिए और इसमें आना चाहिए, क्या है ये आपका सर्कल जो इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पार्ट में आएगा भैया आपका आंसर होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या आएगा। अगर इन दोनों की बात करें बट नॉट सिंसियर, ठीक है, तो सिंसियर क्या है इसमें ट्राइंगल। अगर इसकी बात करें एक आदमी जो हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्किंग हु आर इंटेलिजेंट बट नॉट सिंसियर, जो हार्ड वर्किंग भी है इंटेलिजेंट भी और सिंसियर नहीं है, तो अगर इसकी बात करें तो सिंसियर तो होगा नहीं, जो ट्राइंगल में लाई करेगा वो तो आपका हो नहीं सकता। जो किस किस में आपका लाई करे वो करे सर्कल एंड इसमें स्क्वायर में, तो वो आपका आंसर क्या हो सकता है। अगर हम जो मान लो टू कहते हैं आंसर, तो टू है वो किस में लाई कर रहा है, तीनों में लाई कर रहा है। हम अगर इसकी बात करें तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए ये वाला पोर्शन। क्यों ये वाला पोर्शन क्यों, कि सिर्फ और सिर्फ जो सर्कल और स्क्वायर में लाई करना चाहिए, तो भाई आपका आंसर इसका होगा वन, वन योर आंसर। ठीक है, इसी के साथ वन इज योर आंसर। ठीक, इसी के साथ भाइयों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपको कैलेंडर के साथ। मैं अंकित यादव आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ नेप्स एकेडमी की तरफ से। ठीक है, जय हिंद मेरे भाइयों।